का 10 लाख का माल गायब। किंग्स बैंक में सनसनीखेज डाका, एक मुस्लिम फरार, दूसरा गिरफ्तार। के बाबू पर बैंक लूटने का इल्जाम। अदालत के सामने पेश किए गए सबूत और गवाहों के बयानात के मुताबिक मुल्ज़िम रणवीर वर्मा ने एक नामालूम आदमी के साथ मिलकर किंग्स बैंक में डाका डाला और बैंक से लूटी हुई रकम को अपने एक साथी को देकर उसे भागने में उसकी मदद की। लिहाजा दफा 392 ताजरात हिंद के मुताबिक मुल्ज़िम रणवीर वर्मा को 7 साल कैद बा मशक्कत की सजा दी जाती है। नहीं जज साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैं सच कहता हूं जज साहब। शंकर, एक एक फैनी का और हो जाए। एक एक फैनी का क्या बात करता है जुड़ी डालिंग? थोड़ा दिन ठहर जा, ये पूरा बात तेरे नाम कर डालेगा। आहिस्ता बोलो, तुम्हारा वाइफ सुन लेगा तो सारा मोहल्ला सर पे उठा लेगा। हमारा वाइफ का फिक्र मत करो, उसका मुंह तो हम हमेशा के लिए बंद कर डाला है। क्या मतलब? हाय शंकर। हाय टोनी। अरे गोवा कब आया तू? यार अभी पहुंचा हूं। हाय बेबी। ए लिवर अलोन, लिवर अलोन। ओह आई एम सॉरी। क्या पिएगा? कुछ नहीं शंकर, पहले काम फिर जाम। काम? हाँ, जरा अंदर आओ। जल्दी बार बंद कर लेना। आओ। क्या बात है, बहुत दिन के बाद में गोवा का याद आया। हाँ, आराम करने के लिए गोवा से बढ़कर कौन सी जगह है। आराम? तुम तो जानता है कि अपन का धंधा में आराम हराम है। हाँ मैन, कुछ दिनों के लिए मैं ये धंधा बंद कर देना चाहता हूँ। क्यों, कोई लंबा हाथ मारे रहा है? बहुत लंबा। बैंक लूट कर आ रहा हूँ। कानून का हाथ भी बहुत लंबा होता है, पुलिस तुम्हारा पीछा करता होगा। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ, थोड़े दिनों के लिए पना दे दो
आधा माल तुम्हारा। माल का है? इस बैग में। जान पाटर, यारों का घर का दरवाजा यार का वास्ते हमेशा खुला है। आ जाओ। रखो माल अंदर। ये लो चाबी, माल ऊपर और तुम चलो मेरे साथ नीचे। आ जा भैया, जरा संभाल कर दे रहा है, बत्ती कर लो। अरे वाह वाह वाह, एकदम परफेक्ट। शंकर यार, यहाँ तो सला चैन ही चैन लगता है। अरे पार्टनर, अपन जा रहेगा ना, ऐसा ही होगा। अरे यहाँ तो पुलिस तो क्या, सला चिड़िया भी नहीं आ सकता है। अरे तेरा जितना दिल करे ना, यहाँ आराम कर। शंकर हाँ, तेरा वाकई जवाब नहीं यार। है ऊपर में। अरे यार सुन, ऊपर वाला जवाब यार नीचे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तू पहले जा दरबार रूफी। मैं ऊपर जाके बंदोबस्त करके आता हूँ। दैट्स इट। क्या ये बात है ना पार्टनर? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बैठ बैठ। शंकर हाँ, जल्दी आना यार। अरे यार इतनी बेसब्री काहे की है, आता हूँ ना। सारा शक्कर की तरह ही गंदा लगता है कुछ। कोई बात नहीं, आराम तो करना ही है। रेडियो भी है? वाह, ये भी सारा डब्बा ही लगता है। शीशे बहुत लगा रहे। हमको तो जो बोलने का था बोल दिया। अपन तो इतना जानता है कि आज तुम मेरा बीवी को मारने का धमकी दिया था, इसीलिए हम पुलिस को बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, इसे भी गिरफ्तार कर लीजिए। इसने एक बैंक लूटा और लूट का माल इस तिजोरी में। मेरे पास ये रही इसकी चाबी, आइए। ये तो खाली है क्या? ले चलो, चलो आप।
आज अगर सब ठीक हो गया तो एक बहुत बड़ा आदमी हमारी मुट्ठी में होगा और उसकी इज्जत मिट्टी में। अरे जूली डार्लिंग, पैसा ऐसी चीज है जो इज्जत शोहरत सब कुछ खरीद सकता है, और कल से हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। शंकर ठीक कहता है, आज जो आदमी यहाँ आ रहा है उसकी इज्जत भी हमारी मुट्ठी में होगी। जिसे बचाने के लिए उसे हर महीने हमें एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। अरे वर्मा साहब, कैमरा शंकर की तीसरी आंख है और शंकर की तीसरी आंख कभी धोखा नहीं देती। शायद हमारा बकरा आ गया। आइए आइए घर, आइए, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए ना। ये है मेरे दोस्त कुमारी उमा देवी और शंकर जी, बड़े ही भले लोग हैं। विधवाओं के लिए आश्रम बना रहे हैं, इनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, आप बैठिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। माफ कीजिए, आजकल के नौजवान धर्म कर्म की तरफ जरा कम ध्यान करते हैं। जी तो अच्छे काम के लिए वक्त ही नहीं होता सेठ जी, ये तो सब शंकर भगवान की इच्छा है। तुम सच कहती हो बेटी। अच्छा बताओ मेरे लायक क्या सेवा है? वो तो बाद में देखेंगे सर जी, पहले आप बताइए आप ठंडा लेंगे या गर्म? आप तो खामखा तकल्लुफ में। अजी तकल्लुफ कैसा, ये तो घर ही आपका है, कुछ तो लीजिए ना। अच्छा मजबूर करते हो तो ठंडा ले। हाँ, ले आओ, ले आओ। अच्छा अच्छा, दरअसल ये उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों ने। नहीं नहीं, इस लिस्ट की क्या, जीती रहो बेटी, इस लिस्ट की क्या जरूरत है? दान तो तब तक ही दान रहता है जब तक वो गुप्त रहे। जी हाँ, गुप्त दान। ये रहा देवी जी, ये रही मेरी तुच्छ भेंट। शुक्रिया। क्यों आ रहा है? चक्कर तो आपको होश में आने के बाद आएगा खाना साहब। जूली अपना चक्कर इन पे चला, गधे चलो। अब हाँ, जरा यहां से ले, यहां से ले। अरे बुड्ढे को गोद में ले वरना तस्वीरों की कीमत नहीं मिलेगी। हाँ यहां से ले। हाँ नीचे कर, नीचे कर, नीचे करना और सर सामने आ। अच्छा और नजदीका, और नजदीका, और नजदीका। हाँ और नजदीका, और नजदीका, और नजदीका। इधर आ, इधर आ, इधर पल्लू नीचे कर। ये ले 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 ले, यहां से ले। अब ये बुड्ढे की इज्जत इस कैमरे में, शंकर की तीसरी आंख में। हाँ ये 12 negative 12 lakh से कम नहीं शंकर। इस बुड्ढे के होश में आने से पहले इस नेगेटिव की इतनी कॉपियां बना दो कि बुड्ढा फाड़ते फाड़ते थक जाए। राइट मैन। अबे उठ, ये तेरे बाप की जागीर नहीं जहां 10 बजे तक सोया पड़ा है। उठ। ये सारी रात मैं क्या करता रहा हूं यहां पर? वही जो तुम जैसे सेठ अक्सर किया करते हैं। ये देख तेरे काले करतूतों की दास्तान देख। सब झूठ है, सब झूठ है, बकवास। शर्माइए नहीं राजा जानी, अब तो कहानी शुरू हो रही है। ये सब धोखा है सर, बिल्कुल धोखा है। आंखें धोखा खा सकती हैं सेठ, कैमरा नहीं। लेकिन घबराओ मत, ये तस्वीरें और इनके नेगेटिव मेरे पास महफूज रहेंगे। तुम मेरी इज्जत के साथ खेल रहे हो, एक शरीफ आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हो। ओहो सेठ जी, आपकी शराफत का ही तो सौदा कर रहे हैं हम। ज्यादा नहीं, हर महीने 10,000 रुपया भेज दिया कीजिएगा, लेकिन कैश। नहीं नहीं, मैं 10,000 रुपया नहीं दे सकता। 10,000 ओनली। आप सौदा बुरा नहीं सेठ जी, अगर आपको सौदा मंजूर नहीं तो ये तस्वीरें कल आपकी बेटी के पास पहुंच जाएगी और परसों आपकी तस्वीरें अखबारों में छपी होंगी। फ्रंट पेज, फ्रंट पेज। नहीं नहीं, मैं जीते जी अपनी मौत नहीं मांग सकता। 10,000 रुपए भेज दूंगा। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। ए बुड्ढे, ये कोट लेते जा, काम आएगा। उस पे देखना तो था, शायद कैश वैश हो। छोटी बात मत कर, नेगेटिव निकाल, फोटो का नेगेटिव निकाल। नेगेटिव?
अरे यार तुम्हारे पास पॉजिटिव है, मेरे पास नेगेटिव। क्या मतलब? मतलब साफ है, ताकि हम दोनों एक दूसरे को धोखा ना दे सके। मेरा क्या होगा, मुझे क्या विधवा आश्रम के चेक पे गुजारा करना होगा? जानेमन जब हम हैं तो क्या गम है, तुम मेरे साथ रहोगी। हे भगवान, ये कौन से पाप की सजा मुझे मिल रही है ये तो आप ही जाने, पर इस संकट को झेलने की शक्ति भी आपको ही देनी होगी। मेरी बच्ची इस संकट से दूर रहे, इतनी कृपा आप जरूर करना प्रभु। ओम नमो। हंसने वालों के साथ जमाना हंसता है और जो रोते हैं अकेले रोते हैं। अजी रोए आपके दुश्मन, जब तक हम हैं ना तुम्हें रोने की जरूरत है और ना अकेले रहने। हमेशा यही कहते हो, फिर भी तुम्हें मिलने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। नहीं जूली, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं। फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें होटल में मिलने आ जाया करूंगा। वादा रहा। लेकिन अब तुम जाओ, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। एक जाओ मेरे हाथ हो जाए। ओके, मेक इट क्विक। साहब, डॉक्टर आपका दारू तपसने आया। दारू तपसने आया। पेड्रो, तुम फिर शराब पी के आए हो? साहब, बात पीने की नहीं है, हम तो खाली बोला डॉक्टर आपका दारू तपसने को आया है। शट अप और बकवास बंद करो। साहब, बात बकवास बंद करने की नहीं है, हम तो खाली बोला डॉक्टर आपका दारू तपसने को आया है। हाँ ठीक है ठीक है, मेम साहब को जाके होटल में छोड़ के आओ। ओहो, फिर वही बात। साहब, बात छोड़ने की नहीं है, हम तो खाली बोला डॉक्टर आपका दारू तपसने को आया है, अब समझ जाओ ना। पेड्रो। यस। तुम सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त ही होश में रहते हो। मैम साहब, बात होश में रहने का नहीं है, हम तो खाली बोला डॉक्टर दारू तपसने को आया है। अच्छा बाबा, तुमने बोला, साहब ने सुना, अब तुम चलो और हमको छोड़ दो। मैम साहब, बात आपको छोड़ने का नहीं, हम तो खाली बोला सबको के डॉक्टर दारू तपसने को आया है। ओहो, मैम साहब चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैम साहब उधर नहीं, इधर इधर इधर। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन नींद नहीं आती। अरे भाई, नींद कैसे आएगी, एक तो काम की जाती और ऊपर से दिन रात की शराब। इन्हीं दो चीजों के सारे तो जिंदा हूं डॉक्टर साहब, वरना कब का मर गया होता। वैसे भी काफी सारे पापड़ बेल लिए, अब तो मजा कर लेने दीजिए। अरे भाई, जिंदगी रहेगी तब तो मजा करोगे। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तुम बाहर नहीं आओगे। अच्छा चलो, पहले तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। देखो रणधीर, तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर हाई हो गया है, लगता है आज सवेरे से ही पी रहे हो। कल जो पी थी हुजूर, ये तो उसका खुमार है। अरे मजाक छोड़ो, तुम्हें एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है, अब तुम्हें ज्यादा केयर की जरूरत है। आप इनके खाने पीने का जरा खास ख्याल रखा कीजिए। पीने का तो ये खुद ही ख्याल कर लेते हैं डॉक्टर साहब, और खाने की नौबत नहीं आती। सुबह नाश्ते पर 2-3 ग्लास जिन और आधा टोस्ट, लंच कभी खाया कभी नहीं। हाँ, रात को थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, थोड़ा सा खाना और बहुत सी शराब। बकवास बंद करो और अपने काम पे जाओ। मैं तो यही पूछने आई थी कि डॉक्टर बाबू के घर हो आऊं और आते वक्त दवाई ले आऊंगी। ठीक है ठीक है, बोर मत करो, कम ऑन, आउट आउट। अच्छा फिर अभी मैं भी चलूंगा। क्यों डॉक्टर साहब, एक छोटी सी खड़ाक हो जाए, दवा तो पीते जाइए। नो थैंक यू, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है भाई। अच्छा देखो, वो गंगा के हाथ में तुम्हारी दवा भिजवा देता हूँ, और अब तुम्हें एहतियात की बहुत जरूरत है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब। खैर, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय। कुछ दिन और वहां रहता तो पागल हो जाता, यकीन करो भैया मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। उस दिन मैं दफ्तर में काम कर रहा था,
किसी का टेलीफोन आया कि किंग्स बैंक के सामने तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम नहीं थे, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने बताया कि कुछ देर पहले बैंक में डाका पड़ा है, अचानक पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और बैंक लूटने के इल्जाम पर मुझ पर झूठा मुकदमा चलाया गया। फिर मुझे 7 साल की जेल हो गई। मैं जानता हूं तुम बेकसूर, अच्छा किया जो जेल से भागा, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं खुद को बेकसूर कैसे साबित करूंगा? घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें यहां कोई खतरा नहीं। इस वक्त तो घर में नौकर भी नहीं, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो और मेरे कमरे में आ जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं जानता था भैया तुम जरूर मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं सीधा यहां चला आया। अरे भाई, भाई की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे कपड़े लेके आता हूं। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। मैं काउंसल रणधीर वर्मा बोल रहा हूं। जी हाँ, मेरे बंगले में एक जेल से भागा हुआ कैदी गुजरा, आप उसे फौरन आके गिरफ्तार कर लीजिए। थैंक यू। रणवीर रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? सजा तो कानून देगा, मैं तो एक भागे हुए कैदी को पकड़वा के अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। तुम और फर्ज? अब मैं समझा, तुम ही ने बैंक को लूट कर मुझे जेल भिजवाया होगा और अब जब मैं अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता हूं मुझे फिर पकड़वाना चाहते हो? तुम्हारी समझ में कुछ भी है, लेकिन कानून वही मानेगा जो मैं कहूंगा। क्यों नहीं, तुम तो कानून के ठेकेदार जो ठहरे, आखिर आज के महात्मा हो ना। वाह भैया, जुड़वा भाई होने का खूब फायदा उठाए। बंद करो ये बकवास वरना जान से हाथ धो बैठो, यूं जिंदा रहने से तो वही अच्छा होगा। कैदी यहां से भाग निकला? जी भाग तो नहीं सका, लेकिन भागने की कोशिश में दिल के दौरे का शिकार हो गया। आप लाश पर कब्जा कर सकते हैं। थैंक यू। कैदी की शक्ल तो जी आप ठीक कहते हैं, वो मेरा भाई था। तो आपने अपने भाई को गिरफ्तार करवाने के लिए हमें फोन किया था? आप भूलते हैं इंस्पेक्टर साहब, हर अच्छे शहरी के लिए एक भागे हुए कैदी को पकड़वाने का फर्ज एक भाई को बचाने के फर्ज से ऊंचा है। आप ठीक कहते हैं वर्मा साहब, काश आप जैसा हर शहरी होता तो हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती। वाकई आप महान आत्मा हैं। जी, आत्मा और परमात्मा को कोई नहीं जानता। हेलो, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। जी आज, माफ कीजिए, मैं बिल्कुल भूल गया था, दादी है मेरे घर में एक हादसा हो गया है। जी नहीं, आज नहीं आ सकूं, प्लीज। ठीक है जी, मैं वहीं आके आपको बता देता हूँ। जी हाँ, मैं आता हूँ। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे टाउन हॉल एक जलसे की सदारत के लिए जाना है। आपकी जब कार्रवाई पूरी हो जाए तो मुझे अंतिम संस्कार के लिए बुला लीजिएगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नमस्ते जी। नमस्ते। जी नहीं, आज ही रहने दीजिए। दोस्तों, अब इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। आज के चीफ गेस्ट और आपके चहेते नेता
रणधीर वर्मा अब आपके सामने हैं। हम सब इनके आभारी हैं कि इन्होंने अपने भाई की मौत की परवाह न करते हुए भी यहाँ आने का अपना वायदा पूरा किया है। अब मैं दरखास्त करूंगा कि वो इस जलसे का उद्घाटन करें। दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं देर से आने की माफी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि मौके की मजबूरी को देखकर आप लोग मुझे माफ कर देंगे। अपने भाई की मौत के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि बुराई को खत्म होना ही चाहिए, चाहे वो मेरे भाई के ही रूप में क्यों ना हो। खैर, मुझे इस बात की खुशी है कि आज का यह प्रोग्राम कैंसर रिसर्च सोसाइटी की मदद के लिए है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कोशिश इस सिलसिले में कामयाब रहेगी। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सभापति जी से दरख्वास्त करता हूं कि जल्द से की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। अनोखी आंख दस में
रणधीर साहब, तकलीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तकलीफ कैसी, ये तो मेरा फर्ज था। ले लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। ये चाबी? ये आपके पास कैसे है? मेरा ड्राइवर कहाँ है? वो बहुत नशे में था, मैंने उसे घर भेज दिया। आपकी गाड़ी कार पार्क में है। शुक्रिया। अरे ये क्या, आप मुझे घर नहीं छोड़ेंगे? माफ कर दीजिए, मैं जरा, आइए ना। मैं समझती हूँ, आइए। चलो। अरे लगता है डैडी अब तक जाग रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ऊपर चलिए ना। जी नहीं, इतनी रात गए ऊपर जाना ठीक ना होगा, खामा खा सब परेशान होंगे। सब? सिर्फ डैडी ही तो है। जी मेरा मतलब उन्हीं से था, शाम की दुर्घटना से मैं जरा परेशान सा हो गया। मैं समझती हूँ, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था। आप धीरज रखिए। हमदर्दी का शुक्रिया, अब मैं चलूँ? सुनिए, अगर आप आ सके तो कल मंदिर में मिलेंगे, ठीक 4 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। डैडी। आओ बेटी, कैसा रहा तुम्हारा फंक्शन? इट वॉज जस्ट फैंटास्टिक डैडी। लेकिन आप किस खुशी में अब तक जाग रहे? बेटी तेरी खुशी के सिवा और कौन सी खुशी है मेरे जीवन में? मेरी खुशी इन फाइलों में नहीं, आपकी मुस्कुराहट में है, जो न जाने कहां गायब हो गई है। तुम यूं ही फिक्र कर रही हो, तुम आई किसके साथ हो इस वक्त? रणधीर के साथ। बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ी लिखी और समझदार हो, सब कुछ जानती हो, फिर रणधीर के साथ इतना मेल जोल क्यों बढ़ा रही हो? जब तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि वो अच्छा आदमी नहीं। कम ऑन डैडी, आप तो यूं ही फिकर करते रहते हैं। जानते हैं आज उनके भाई का हार्ट फेल हो गया। किस भाई का? वो कोई था, वो जेल से भागकर। एक दिन ये भी जेल जाके रहेगा, इसीलिए कहता हूँ कि उससे न मिला करो। लो अभी अभी तो आप कह रहे थे कि मैं बड़ी हो गई हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ। अगर ये सब सच है तो क्या मैं अपना बुरा भला नहीं सोच सकती? डैडी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जाइए और आराम से सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। आजकल के बच्चे। रूबी, रूबी डार्लिंग, अरे फिकर क्या, हमारा मिस इंडिया, हमारा होने वाला वाइफ सोचिए। हेलो डार्लिंग। हाय हाय, हाउ आर यू? फाइन फाइन। जानी तुम्हारा इतना जल्दी कैसा है, तुम्हारा टाइम टेबल कैसा बदल गया? आज हम जल्दी छूट गए। जल्दी छूट गया? हाँ, हमारा हमारा साहब का जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको चाबी दे दे, मैं इधर इधर आ गया तुम्हें मनी देने के लिए। अरे उधर किधर मनी देता रे, तिजोरी तो इधर है। अरे आज तुम 200 लाया माई स्वीट बॉय। मम्मी तुम्हारा ये लड़के हैं हमारे लिए बहुत लकी है, आज साहब से और साहब का गर्लफ्रेंड से दोनों साइड से माल मिला है। वंडरफुल। नहीं नहीं मम्मी, डबल वंडरफुल बोलो। क्यों? मम्मी शादी से पहले ये हाल है, शादी के बाद चारों साइड से माली माल माली माल। वेरी गुड वेरी गुड मम्मी। मम्मी इसीलिए हम बोलता है हमारा शादी जल्दी करो और अपना तिजोरी भरो। बनाएगा बनाएगा जरूर बनाएगा। तुम हमारा सिगार नहीं लाया? अरे मम्मी हम इतना बड़ा मिस्टेक कैसे करेगा, खाना भूल सकता है, तुम्हारा सिगार कभी नहीं भूलेगा। किधर है? किधर? हाँ
डार्लिंग, हम तुमको दिया था रखने को। हमको किधर दिया मैंने तुम रखने को? हम किधर रखेगा? तुम याद करो, किधर पिया किधर रखा? किधर पिया किधर किधर पिया? मम्मी मम्मी बैटरी चार्ज हुआ। याद आया मैं? आ रहा आ रहा। जल्दी याद करो। ये याद करो। हाँ मम्मी मम्मी यार। एक बस एक बस है। तू आता से कहाँ रुक गए? अरे बॉस मैं तो वहीं रुका था लेकिन तुम कहाँ रुके थे बॉस? ये कौन है? चमचा। चमचा? मम्मी हमारा दोस्त है। yes. हमारा दोस्त है। yes. मिस्टर कानिया। काने को काना नहीं बोलना चाहिए, मुझे मालूम है। मम्मी ये हमारे लाइफ का बेस्ट फ्रेंड है। जहाँ मेरा पसीना गिरता है वहाँ वो खून गिराता है। ये हमारा मम्मी है। मम्मी वेरी ब्लेस्ड टू नो यू। वन सेल बैटरी, वन सेल बैटरी, ऐसे दिखता है। ए ये छोड़, ये हमारा होने वाला वाइफ है, समझे? वाइफ। अरे ए समझे, छुट्टी मारते घर आ जरा, माँ बन नहीं है क्या? सारे बस एक चु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 
गुड पेड्रो, तुम कितना अच्छा है, हमारे लिए फूल बॉक्स लाया है। तुम हमको कितना प्यार करता है, अगर हमारा अपना सन भी होता तो हमको इतना प्यार नहीं करता। पेड्रो, अरे हमने तुम्हारे लिए मालूम है क्या बनाया? क्या बनाया? फर्स्ट क्लास मौसम्बी। मौसम्बी? मम्मी बेवड़ा इसको दे दो, मेरा फोटा है इधर। अच्छा तुम लोग बैठो, अभी आता। अपने को कुछ भी चलता है। बैठने को बोला मम्मी, बैठने को बोला है। बस इधर नहीं, बाहर उधर उधर। हां दरवाजा पे आओ, मौसम भी है। चल ला, मैं भेज दूंगा। अरे मौसम भी कानिया। मुझे देर हो गई, जब मैं घर पे आई तो पुलिस आई हुई थी, इसलिए मैं आपके पास नहीं आई। मैंने आपकी दवाई बेडरूम में रख दी है, काफी रात हो गई है, अब आप सो जाइए। ठीक है दियो, मुझे नींद की सख्त जरूरत है। वहां कहाँ जा रहे हैं? आइए, मैंने बिस्तर लगा दिया है, लेटेंगे तो नींद आ जाएगी। आज तुमने भगवान से क्या मांगा? वही जो रोज मांगती हूँ, मन की शांति और जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ। अरे वाह, मुझसे तो पूछ लिया होता, ये तो जबरदस्ती गले पड़ने हुई है। अच्छा जी, तो क्या मैं आपके गले पड़ रही हूँ? नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ। चलो बैठो गाड़ी, सोचता हूँ आज तुम्हारे डैडी से मिलकर अपनी शादी की बात कर ही लो। सच? ले काम में देरी क्या, चलो।
गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर साहब आप माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपके आराम में खलल डालने चला। सोचा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में शायद आप जानना चाहेंगे, इसलिए हाजिर हो गया। आइए ना, आइए आइए, आइए बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच। तो इंस्पेक्टर साहब आप किस नतीजे पे पहुंचे? जी हम लोगों ने सोचा है। अरे वाह 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 वाह, गरम गरम चाय। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हैं साहब, चाय तो मेरे लिए आई है, आपकी सुबह तो विस्की से शुरू होती है। जी उठाइए जाम और शुरू हो जाइए। आपको तो पता है। चीयर्स। चीयर्स। वेरी गुड विस्की ऑल्सो, वेरी गुड। देखो तो मेरे कमरे पे जाओ, मेरे मेज पे एक लेटर पड़ी है, उस चिट्ठी को नीचे ले आओ। वो तो मैंने सुबह ही पोस्ट करवा दी ड्राइवर के साथ। पोस्ट करवा दी? तो ठीक, तू ये क्या कर रही है? कम ऑन जाओ। ठीक है। हाँ साहब, तो मैं कह रहा था पोस्टमार्टम की बात। क्या हुआ पोस्टमार्टम को? आपका ख्याल ठीक ही निकला, आपके भाई की मौत अचानक हार्ट फेल होने की वजह से हुई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, न जाने फिर कब मुलाकात हो। क्यों आपकी छुट्टी हो गई है क्या? जी नहीं जी नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हो गया? जी हाँ। अच्छा जी, तो मैं आप... नहीं नहीं नहीं, हाँ आप क्यों तकलीफ? मैं छोड़ देता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके बाय बाय। ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो जाओ। लगातार दस दस रुपए का बेट बेट क्यों लिए? अरे बताओ दारू डाल दारू डाल, फिर बताओ बताओ बताऊंगा। बहुत ज्यादा पीड़ा पेट्रोल, क्या बात क्या बताता क्यों नहीं? छोड़ ऐसा लफड़ा है, किससे लफड़ा है, कौन लफड़ा करेगा? लफड़ा भूत लफड़ा होने वाला है, बता दो। क्या हो क्या गया तुझको? अरे माइके। हाँ बोल माइके। बोला ये माइके, ये दारू किसका है? मेरा है रे। पी कौन रहा है रे? तू पी रहा है? अरे मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो लफड़ा नहीं होएगा क्या? ओ साले बाप का मांस मत के पी लिया है। ए निकाल का थाली दे दे, निकाल का थाली दे, निकाल दे, फोड़ दूंगा तेरे सर पे। ए तू क्या बोल रहा है? पैसा निकाल, पेट्रोल तो सब कर दूंगा। अरे छोड़ मेरे हाथ से, निकाल का थाली। ए पिंचा चले, ए पिंचा मोहन। अरे अरे चोरी दारू अरे छोड़ छोड़ साला बेवड़े पागल। घरे कुत्ते तू हंस रहा है? अभी बता रहा हूँ, अभी तेरे को बाबा ऐसा मैं मारूंगा जिंदगी भर, यार जिंदगी भर तुझे याद करना पड़ेगा। ठहर अभी बता, ठहर। अरे अरे तुमको कमजोर समझते है क्या? एक लाख मारूंगा। ठहर अभी बता दू, मेरे ऊपर चल जा। ठहर भाई उठा, अभी फेंकता हूँ। चल जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम सबको आपके भाई की मौत की खबर सुनकर बड़ा ही दुख हुआ है। इस हमदर्दी के लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्लीज सुनाओ सुनाओ सुनाओ। वैसे मुझे अपने भाई की मौत का अफसोस नहीं, वो समाज का दुश्मन था और दुश्मन से छुटकारा ही अच्छा है। वाह क्या कहने है? साहब तो वाकई आज के महात्मा हैं। साहब आज आपको काउंसिल फ्लैट देखने के लिए जाना था। I'm sorry, मैं तो भूल ही गया था। ऐसा करो तुम ही चले जाओ। नहीं नहीं साहब, मेरे अकेले जाने से काम नहीं चलेगा, आपको तो चलना ही चाहिए। अगर आप कहें तो मैं कॉन्ट्रैक्टर यहाँ बुला लूँ। नहीं नहीं उसे यहाँ मत लाओ, मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलिए चलो।
हाँ मालिक, आप आराम से बैठे रहिए, मैं ठेकेदार से बातचीत करके अभी आ जाता हूँ, आप बैठिए आराम से। नमस्ते बड़ा बाबू। नमस्ते नमस्ते बड़ा बाबू, साहब से कह के बिल्डिंग पास करवा दीजिए, मैं का मकान मुफ्त बनवा दूंगा। अरे पहले बिल्डिंग बनाने का माल तो पास करवा लो, बहुत रेता मिला रहा सीमेंट में आजकल तुम, और कह रहे हो कि बिल्डिंग पास करवा दो। बड़ा बाबू हाँ, ये रही नजराना, 10,000 साहब के लिए और 5,000 आप लोगों के लिए। तब तो तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा, मैं साहब से दस्तखत करा के तुम्हारे कागजात भिजवा दूंगा। मैं साहब से मिल लूं? हाँ क्या मिल लूं, मिल लूं, जाओ जाओ अपना काम करो जी, जाओ तुम जाओ। अच्छा ये लीजिए मालिक। ये क्या है? ठेकेदार की तरफ से नजराना है, 10,000 आपका हिस्सा और बाकी 5,000 स्टाफ के लिए है। ये ले भाई, तू भी ले ले 100 रुपए अपना। थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या है? आपकी दवाई, और हो भी क्या सकता है, खाने पीने की दो ही चीज तो आपके हिस्से में आई है, या दवाई या दारू। हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज से मैंने ये फैसला किया है, ना तो ये दवा खाऊंगा और ना दारू पीऊंगा। ये फैसला तो आप बहुत बार कर चुके हैं। ठीक कहती हो, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, देख लेना, अब की मैं अपने फैसले पे अटल रहूंगा। दवाई तो खा लीजिए, दारू मत पीजिए। ओहो तुम समझती क्यों नहीं, इस दवा का दारू के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, अगर दवा खाऊंगा तो दारू पीनी पड़ेगी और दारू पीऊंगा तो दवा खानी पड़ेगी, समझी? ये आप डॉक्टर साहब को समझा दीजिए। ठीक है मैं उन्हें समझा दूंगा, ये रख दो और एक गरम गरम प्याली चाय ले आओ, और आज का अखबार भी लेना। रणधीर बाबू कहां फंस गए? ये लीजिए अखबार, चाय भी लाती हूँ। काउंसिल फ्लैट्स की नई बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने से 3 मजदूर मारे गए और 7 जख्मी हो गए। कहा जाता है इसमें इस्तेमाल की हुई सीमेंट में रेत की मिलावट थी। पब्लिक जानना चाहती है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये लीजिए मालिक। ये क्या है? ठेकेदार का नजराना, 10,000 आपके लिए है और 5,000 स्टाफ के लिए है। कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब इनका पूरा ख्याल रखेगा, इनके इलाज का जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा, फिलहाल ये 25,000 रुपए रखिए, अस्पताल का बिल काट कर जो भी पैसे बचेंगे मरीजों के घर वालों को बांट देना। आप बेफिक्र रहिए, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सर। डैडी आपने आज का पेपर पढ़ा? रणधीर ने उन मजदूरों को 7,000 रुपए दिए हैं जो काउंसिल फ्लैट वाली बिल्डिंग गिर जाने से जख्मी हुए। पढ़ा है मगर मुझे विश्वास नहीं। आपको तो उनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, मुझे तो लगता है भाई की मौत का उनके दिल पर काफी असर हुआ है, इसलिए वो इतने दयालु हो गए। दयालु और वो, देख लेना इसमें भी उसकी कोई चाल होगी, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें उसका स्वार्थ ना हो। अगर इतने गरीबों के फायदे से कुछ उनका भी फायदा हो जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? डैडी आपको तो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी है तो जाओ दे आओ, मैं ऐसे आदमियों को मुंह नहीं लगाता। ठीक है मैं ही जाती हूँ। ठेकेदार साहब, भगवान को भी खुश करने के लिए चढ़ावा चढ़ना पड़ता है, और फिर हम तो इंसान हैं। चढ़ावा देने से, हाँ बात ये है कि चढ़ावा देने से मुझे कब इनकार है। हेड क्लर्क साहब आप मेरा काम करवा दीजिए, फिर जो चाहे सो लीजिए। हाँ बस तो फिर ठीक है, आइए उस तरफ चलिए। हाँ चलिए चलिए। हाँ तो ठेकेदार साहब निकालिए दाम, हो जाएगा आपका काम। दाम हाजिर है, ये लीजिए 10,000। ठीक है अब आप जाइए, बेफिक्र होकर जाइए, आपका काम हो जाएगा। हाँ, हाँ। Thank you.
एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए हैं आपकी तलाशी लेने। तलाशी मेरी? जी हाँ। आप? मेरे पास तो कुछ नहीं है। देख लेते। कुछ नहीं है मेरे पास। हाथ हटाइए। क्या हुआ? पूछते हैं क्या हुआ। अरे अरे, ये वही नोट है जिन पर कलेक्टर साहब ने निशान लगाए थे। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लो। चलो। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग हुजूर। देखिए होंगे यूं ही पकड़ के ले आ रहे हैं, मुझे बचा लीजिए सरकार, नहीं तो मैं तबाह हो जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं हुजूर, मुझे बचा लीजिए। ये सब तो आपको रिश्वत लेने से पहले सोचना चाहिए था बाबू साहब। ले चलो इन्हें। रिश्वत लेने से पहले सोचना चाहिए था। थैंक यू काउंसलर साहब। जी ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू वेरी मच, हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद इसी तरह मैं अपने भाई के पापों का प्रायश्चित कर सकूं। आजकल पेट्रो खाली हाथ आता है, उसको बोलो कि खाली खाली नहीं चलेगा। डार्लिंग मैं बहुत तकलीफ में हूँ, और तो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, तुम सुनता नहीं तो हम क्या करेगा डार्लिंग? क्या सुनेगा मैं? तुम रोज मम्मी को प्रॉमिस करता है कि बर्थडे का नेकलेस लाएगा, सुबह भी नहीं लाता है। डार्लिंग तुम्हारा मम्मी का बर्थडे साल में 6-6 बार होता है, हम कहाँ से नेकलेस लाएगा? अभी तो हमारा खुद का निकल पहले सुतर गया। What? डार्लिंग आजकल हमारा बेड लक चल रहा। देखो ना, हमारा सांप का जो पिए था ना, वो अंदर हो गया। अंदर हो गया? जेल 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 गया है। और हमारा सांप खाने पीने वाला इंदर राज, वो भी आज का महात्मा हो गया। डार्लिंग डार्लिंग बक्सिस बंद, और समझो कि चालू गाड़ी में ब्रेक लग गया। डार्लिंग इसका मतलब है तुम एकदम कड़का हो गया। ओह गॉड, हमारा मम्मी तुम्हारा साथ शादी कैसा बनाएगा? ओहो डार्लिंग, लवर कभी कड़का नहीं होता है। हम फिर से कमाएगा और ऐसा शादी मनाएगा, ऐसा मनाएगा कि तुम्हारा बाप भी नहीं मनाया था। डार्लिंग डार्लिंग जानते हो हम लोग कहाँ हनीमून मनाएंगे? कहाँ मनाएंगे? पोलैंड, थाईलैंड, हॉलैंड, नोलैंड, फेकलैंड में मनाएंगे। हम लोग हनीमून मनाने का ड्रीम देख रहे थे। हनीमून? जेब में तुम्हारा एक कौड़ी नहीं और हमारा छोकरी के साथ हनीमून मनाने का ड्रीम देखता तुम? वेरी गुड वेरी गुड। बेबी मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी तुम हमारा खीसा मत देखो, मम्मी तुम हमारा दिल को देखो, शायद एक्सरे करवा लो। तुम्हारा लड़की के वास्ते हमारा दिल में कितना प्यार है। अरे छोकरी के पास शादी में आ रहा है, हम बोलते हैं क्या हो रहा है? मम्मी वन जस्ट गिव मी वन जस्ट मम्मी। आ तुम लेकर जा रहे हो ना मम्मी, और रूमी का बच्चा मम्मी, और तुम फाइनल मम्मी की मूवी आई ना। हम फंस गया, मैं तो उसका हड्डी तोड़ देता था। हम हट जा, अपने घर में भी चोरों की तरह डरते हो? नहीं नहीं ये बात नहीं, अचानक तुमने चौंका दिया। दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगी। शायद मैं कभी नहीं आती। कल जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज जब मैंने अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि तुम वाकई कितनी महान हो। शुक्रिया, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। आई डोंट बिलीव इट। सच? चलो आज किसी होटल में खाना खाएंगे। हाँ चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा जी, तो आप मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? देखो डार्लिंग, आपने मुझे मना किया था घर पे ना आने के लिए, मगर साथ में ये वादा भी किया था कि आप मुझे होटल में मिलने जरूर आएंगे। अगर यहाँ नहीं आए तो फिर मैं घर पे चली आऊंगी। नहीं नहीं ऐसा ना करना। तो कौन से होटल में आना होगा? क्या हो गया आपकी याददाश्त को? होटल डी रॉयल में, और कहाँ? ठीक है। क्या सोच रहे हो? यही ना कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, कोई जरूरी काम आ गया है। नहीं नहीं जरूरी नहीं, लेकिन 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 कुछ नहीं, आज हम होटल डी रॉयल में खाना खाएंगे, समझे आप? होटल डी रॉयल? हाँ हाँ चलो। We'll be right back.
तेरी कैसी सुंदर माला लेके आला कुमड़ा बाबा नू हमको भुला के फिरता है आजकल दूजे के संग मत वाला कुमड़ा बाबा नू आसिफ जाला देखो री कैसी सुंदर माला लेके आला कुमड़ा बाबा नू गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। माफ करना आने में देरी हुई, लेकिन वादा करता हूँ जाने में देरी नहीं होगी। हुजूर ये कैसे हो सकता है, आना अपने बस में जाना पराए की बस में। कुछ देर बैठिए फिर जाने की बात कीजिए, बैठिए ना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है फौरन कहो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। और मेरे पास वक्त ही वक्त है, सारा आपके, सिर्फ आपके लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझ पर इतनी नजरें इनायत क्यों? नजरें इनायत तो आपकी है हम पर,
पिछले 6 महीनों से आप ही का दिया हुआ खाती हूँ, आप ही का दिया हुआ पहनती हूँ, और इस वक्त जो कुछ भी मेरे पास है जनाब का ही तो दिया हुआ है। पिछले 3 महीनों में सिर्फ एक ही बार खिदमत करने का मौका मिला है, मगर मेरा अलाउंस मुझे बराबर मिलता रहा। भला ये सब कुछ मैं कैसे भूल सकती हूँ? कल जब अलाउंस बंद हो जाएगी तो सब भूल जाओगी, सिर्फ नून तेल और लकड़ी का भाव याद आ जाएगा मैडम। मिस्टर अंधे, मैं आपकी बावचन नहीं हूँ जो नून तेल लकड़ी का भाव याद रखती, ना मैं वो चुड़ैल हूँ जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में आए थे। मैं सिर्फ तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ। साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम्हारी जेब खाली हो चुकी है? शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैडम जेब खाली हो सकती है, दिमाग नहीं। इतना याद रखना, वो जो बेचते थे दवाए दिल, दुकान अपनी बढ़ा गए। गुड बाय। स्टुपिड, जेब में दमड़ी नहीं और चले हैं इश्क करने। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझसे कुछ कहा? यस सर, आपका एक बिल बाकी है। मेरा बिल? जी हाँ, वो मैडम जूली के नाम से जो आपने रूम बुक करवा के रखा है, उसका पिछले 3 महीने से कोई पेमेंट नहीं हुआ, और आपके भाई की डेथ के वजह से मैंने आपको रिमाइंड नहीं किया। आप बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा, और हाँ, आज से मैडम जूली अपना बिल खुद अदा करेंगी। ओके सर, गुड नाइट सर। ये लो तुम्हारे प्रेजेंट्स, ये लो, ये लो, और ये भी लो। मुझे नहीं दिए तुम्हारे प्रेजेंट्स। ये लो, आंसू पोंछ के। हाय, फेंका भी मेरे मेहरबान ने तो क्या फेंका, एक गंदा सा रुमाल। अरे देवी जी, आजकल तो छोटे से छोटे आशे पे कम से कम एक चप्पल फेंका करते हैं, और आप जो गुस्सा ठंडा हो गया तो कुछ कहूँ? रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी कुछ बाकी है? हाँ, बहुत कुछ बाकी है। हम, तुम, हमारी शादी और बहुत से होने वाले चुन्नू मुन्नू। मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। तो कौन से मूड में? प्यार के। प्यार? प्यार का मतलब जानते हो तुम? तुम ही सिखा दो ना। अगर सीखना है तो उसी चुड़ैल से जाकर सीखो। और अगर हम आप ही से सीखना चाहें तो? मत छो मुझे, आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग अलग हैं। किसी ने ठीक ही कहा, लड़कियों की अकल पाँव में और भेजे में शक होता है। शक कैसा? शुक्र मुझे कहो कि तुम उस लड़की को नहीं जानते। ठीक है, मैं अपनी गीता पर हाथ रख के कहता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं उस लड़की को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन वो तो तुम पर ऐसे गिर रही थी जैसे तुम ही उसके सब कुछ हो। शायद वो मुझे रणवीर समझ रही थी। रणवीर? हाँ, मेरा जुड़वा भाई। लेकिन वो तो शायद उसे नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये सब तुम्हें बताने से क्या फायदा, तुम्हारे हमारे रास्ते तो अब अलग अलग हो गए हैं ना। सुनो, तुम मुझे माफ नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? ठीक है, जाओ। हेलो शंकर। डार्लिंग, ये किस पर शामत आने वाली है जिसकी तैयारी में इन बोतलों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं? तुम्हारे यार रणधीर पर, जिसका भेजा इन बोतलों की तरह खाली है। अब तो उसकी जेब भी खाली हो गई है, अब वो मेरा यार नहीं है। बात कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन उसने मुझे चिट्ठी में लिखा था कि आज वो जरूर आएगा और मेरा हिसाब चुकता कर देगा, लेकिन साला अभी तक आया नहीं। हिसाब तो उसको मेरा भी चुकता करना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि दोनों मिलकर। छोड़ो डार्लिंग, वैसे तो तुमसे मिलकर किसी का भला नहीं हुआ, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मेरी वीकनेस हो। जब भी घर छोड़ के आई हो मैंने तुम्हें पनाह दी है। थैंक यू डार्लिंग, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा, सुबह की बात सुबह पे छोड़ो, अभी तो डिनर तैयार करो, बड़ी भूख लगी है। ओके डार्लिंग। आपसे कोई मिलने आया है? कौन? पुराना दोस्त शंकर। शंकर? आंटी, जब तुम लफू चक्कर हो जाना, हमको हमारा चक्कर चलाने का।
हाँ तो सर, आपने खत में लिखा था कि कल माल लेके आएंगे, ना आप आए ना माल, क्या बात है? शंकर साहब वो मैं बस। अरे साहब को मारो गोली, अपन को तो शंकर दादा ही बोलो। देखो मुन्ना, कोई बहाना मत बनाना, माल रोकड़ा चाहिए, वरना कल सारे अखबार में तुम्हारी तस्वीरें छप जाएंगी। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अरे वक्त कब तक तुम्हारा साथ देगा, चलो फिर भी दो दिन का टाइम दे देता है। माल कैश लेकर पहुंच जाना, वरना तुम शंकर दादा को जानते हैं ना। ओके। अरे हाँ ठीक है ना, वो तुम जूली को निकाल दिया ना, बहुत अच्छा किया। ऐसा छोकरी किसी का नहीं होता है। दो दिन के बाद जूली, तस्वीरें, कौन सी तस्वीरें, किसकी तस्वीरें? हे भगवान, मैं कहां आ पाऊं? इससे तो जेल ही अच्छा था। यहां रख दो। ये तुम्हारी बख्शिश। डार्लिंग, ये बॉक्स किस लिए? किस लिए नहीं, किसके लिए ये पूछो। इसमें टोनी को दफनाया जाएगा। लेकिन टोनी तो इस वक्त जेल में है और एक महीने के बाद रिहा होने वाला है। और एक महीने के बाद वो सीधा यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद उसकी लाश इस बक्से में बाहर जाएगी। मौत से पहले ही कफन की तैयारी। दुश्मन की मौत के लिए तैयार रहना, ये तो मेरी पुरानी आदत है, इसीलिए तो आज तक मैं जिंदा हूँ। डार्लिंग, जिंदा तो तुम रणधीर की बदौलत हो। उससे एक ही झटके में 2-4 लाख रुपए निकलवा लो, फिर कहीं और जाके रहेंगे, जहां न टोनी होगा न उसके आने का डर। आइडिया बुरा नहीं है, आज रणधीर आ रहा है, उसे निपट लेता हूँ, ठीक है ना? लो वो शायद आ गया। टॉनी, तुम? तुम्हारी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी शंकर, बरसों पुराने दोस्त को अभी तक नहीं भूले हैं। तुम फिर जेल से भाग के आ गए? मैं जेल से भाग कर नहीं, रिहा होकर आया हूँ। ये तो मेरे अच्छे चाल चलन को दुआ दो कि सरकार ने मुझे एक महीना पहले छोड़ दिया। अब तुम अपनी खैर मनाओ। टॉनी, अब की बार मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारे सारे रुपए लौटा दूंगा, भगवान कसम मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। वो तो तुम चुका ही दोगे, लेकिन मेरे उन 3 परसों का क्या होगा जो मैंने जेल में काटे हैं? शंकर, वक्त तो तुम्हारा भगवान भी वापस नहीं कर सकता। क्यों जुली? तुम ठीक कहते हो टोनी डार्लिंग, मैं सिर्फ उसी का साथ देती हूँ जिसका वक्त साथ देता है। नहीं टोनी, ऐसा मत करो, कम से कम अपनी पुरानी दोस्ती का ख्याल करो, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत खिदमत की है टोनी। मेरी खिदमत और तूने की? चलो जोली डार्लिंग, इसकी लाश को यहीं सड़ने दो, कमेटी वाले आके खुद साले पे कफन डाल देंगे। कफन की तैयारी तो वो खुद ही कर गया है, वो देखो ये कफन उसने तुम्हारे लिए बनवाया था। ऐसी? लेकिन अब उसी के काम आएगा। पुअर चैप। हाय रणधीर, तुम फिर आ गई, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपको चाहती हूँ सरकार, इसलिए हुजूर के लिए एक प्रेजेंट लेकर आई हूँ। टॉनी, वाह वाह क्या बात है, आपकी तो दुनिया ही बदल गई। चले, अपने अपने किस्मत है। क्या मतलब? हाँ रणधीर, वो तो साला शंकर मुझे धोखा दे गया, वरना मैं भी तुम्हारी तरह कुछ ना कुछ कर लेता। शंकर? हाँ शंकर, लेकिन अब वो साला किसी को धोखा नहीं देगा, ना मुझे और ना तुम्हें। मैं समझा नहीं। इधर आओ। रणधीर, उस गाड़ी की छत पर वो बॉक्स देख रहे हो?
इसमें हमारे शंकर साहब की लाश है। कुछ ही देर बाद ये बॉक्स समुंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। अगर आपकी नजरें इनायत रही तो हम भी आप ही की तरह आराम की जिंदगी बसर करेंगे, वरना आपके लिए भी बॉक्स बनवाना पड़ेगा। सो लॉन्ग पार्टनर, फिर मिलेंगे। बाय द वे, मैंने मरीना अपार्टमेंट्स में एक फ्लैट लिया है, आप जब चाहे वहां आ सकते हैं। थैंक यू। गुड, आई सी यू, कम ऑन जूली। बाय। ये लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देंगे। जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नियत बिगड़ रही है क्या? ये मोटर बोट, संदूक में पड़ी हुई लाश और दिल को दहला देने वाली ये घड़ियां, ये सब की सब खून की गर्दिश को तेज कर देती हैं डार्लिंग। और ऐसे में अगर मेरे सामने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की हो तो मैं बेकाबू हो जाता हूं। डार्लिंग, ये शेटी का बच्चा कार तो स्लो नहीं चला सकता, मोटरबोट भी स्लो नहीं चलाता। आज मैं इसकी स्पीड लिमिट किए देता हूं। जस्ट वेट। पुलिस, व्हाट इज दिस? इंस्पेक्टर, क्यों पकड़ रखा आपने इसे? हमें देखकर आपके मोटर ड्राइवर ने इस मोटर लॉन्च की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की। ओफो, तो आपका मतलब है इस समुद्र में भी आपकी स्पीड लिमिट लागू रहती है? फिलहाल तो ये वारंट लागू है। कैसा वारंट? सर्च वारंट। हमें इस बोट की तलाशी लेने का हुक्म मिला है। आई होप यू डोंट माइंड। लेकिन इंस्पेक्टर। कम ऑन हॉलदार। लेकिन इंस्पेक्टर, प्लीज लीव मी। मैडम, विल यू प्लीज गेट अप फॉर ए सेकेंड? प्लीज हवलदार, खोलो इसे। लगता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिला था। जेंटलमैन, सॉरी फॉर द ट्रबल। थैंक यू। हवलदार, थैंक गॉड। लेकिन जूली, लाश का तुमने क्या किया? खून की गर्दिश तेज हो चुकी थी, लाश समंदर में नहा रही है, वो देखो। फैंटास्टिक डार्लिंग, कुर्बान जाऊं तुम्हारे दिमाग पर। आज समुद्र की मछलियां टोनी की दावत खाएंगी। बाय शंकर, गुड बाय। लेकिन शेटे, ये पुलिस को दावत किसने दी? घर का भेदी लंकट है। तुम्हारा मतलब उस काउंसिल के बच्चे से तो नहीं? जब से तुम्हारे भाई की मौत हुई तुम काफी परेशान रहने लगे हो। इस दुनिया में वही तो मेरा अपना था, लेकिन अब लगता है कि अपने ही सबसे ज्यादा पराए होते हैं। क्या मुझसे भी तुम्हें यही शिकायत है? तुमने मुझे अपना कहने का अधिकार ही कब दिया है? अधिकार दिया नहीं, बल्कि लिया जाता है। कभी कभी मैं भी ऐसे सपने देखा करता हूँ। सपने सच भी हो सकते हैं। तुम डैडी से बात क्यों नहीं करते? अगर मुझे यकीन होता कि तुम्हारे डैडी मुझे अपने दामाद बनाने के लिए तैयार है तो मैं कब का बात कर चुका होता। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन मैं तो पसंद करती हूँ। तो तुम ही बात करो ना। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। सच सच।
डैडी, मैंने रणधीर से शादी करने का फैसला कर लिया है। माला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये शादी नहीं हो सकती। डैडी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रणधीर को आपसे बेहतर जानती हूँ और मैंने ये फैसला काफी सोच समझ कर किया है। अगर यही तुम्हारी सूझबूझ है तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो बदमाश तुम पर बुरी तरह हावी हो चुका है। वो मुझे तो बर्बाद करेगा ही, मगर तुम्हें भी बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। आप इत्मीनान रखिए डैडी, आपकी बेटी कभी ऐसे नहीं होने देगी। मुझे इत्मीनान उस दिन होगा जब वो पाखंडी हमारी जिंदगी से दूर चला जाएगा। या इतना करीब आ जाएगा कि हमें अपना समझने लगे। वो हमारे करीब कभी नहीं आ सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो तुमसे शादी करके मेरी जायदाद और दौलत को हत्याना चाहता है। उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे तो है। डैडी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनसे शादी करके अपना फर्ज निभा सकूं। मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। अगर यही तुम्हारी जिद है तो कान खोल के सुन लो। अगर तुमने उससे शादी की तो मेरी जायदाद से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। लेकिन डैडी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अब जाके उस चंडाल से पूछो कि अब भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इनसे पूछने की जरूरत नहीं खाना साहब, मैं इससे हर हाल में शादी करने को तैयार हूँ। हमें आपकी जायदाद नहीं, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तुम समझते हो ये चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम मुझे धोखा दे सकते हो? ये नामुमकिन। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूं, अपने आप निकल जाओ। गेट आउट ऑफ माय हाउस। डैडी, आज मैं बहुत खुश हूं माला। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी थी। मैंने बहुत कुछ खो के तुम्हें पाया है माला, लेकिन आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। मत छुओ मुझे। ये तुम क्या कह रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं। मैंने तुमसे शादी नहीं, सौदा किया है। कैसे सौदा? तुमने तो ये शादी अपनी मर्जी से की थी, हालांकि तुम्हारे डैडी इस संबंध से खुश नहीं थे। मैं भी खुश नहीं हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे जो कुछ भी कहना है अदालत में कहूंगी। जब तुम मुझसे तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाओगे, उस दिन यही लोग जो तुम्हें महात्मा समझते हैं तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो जिसकी सारी जिंदगी धोखे की सबक कुछ भी नहीं। भगवान के लिए तुम्हें जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। और भी कुछ सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने नीच हो। लोगों को ब्लैकमेल करना तुम्हारा पेशा है। तुम बरसों से मेरे डैडी को ब्लैकमेल करते रहे। ये सब जानते हुए भी तुमने मुझसे शादी की, आखिर क्यों? वो तस्वीरें हासिल करने के लिए जो तुमने इस तिजोरी में बंद कर रखी है। कौन सी तस्वीरें? किसकी तस्वीरें? बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कौन सी तस्वीरों का जिक्र कर रही हूँ। मेरे डैडी की तस्वीरें उस नाचने वाली वैश्य जूरी के साथ जो धोखे से शराब पिलाकर तुमने और शंकर ने ली थी। मगर तुम्हें कैसे मालूम कि वो तस्वीरें इस तिजोरी में हैं? मेरे डैडी की डायरी में सब कुछ लिखा है। ठीक है, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आज मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारा है। मैं तिजोरी खाली किए देता हूँ, तुम्हें जो चाहिए उसमें से ले लो। भोले बनने की कोशिश कर रहे हो? बस करो माला, बस करो। अब मुझसे ये झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ये झूठ नहीं, ये सच है। बहुत कड़वा सच है। कड़वा सच सुनोगी तो शायद तुमसे भी बर्दाश्त ना हो सके। लेकिन तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। सच तो ये है माला कि मैं रणधीर नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? रणधीर का जुड़वा भाई रणधीर, जो अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए जेल से भागा है। मुझे देखते ही रणधीर का हार्ट फेल हो गया, क्योंकि उसी की वजह से मैं जेल गया। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने उसकी जगह ले ली। अब मुझे क्या मालूम कि वो महात्मा नहीं एक राक्षस था। वाह वाह, कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मुझे बहाने नहीं, इन तस्वीरों की नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव? अगर नेगेटिव यहाँ नहीं है तो फिर शंकर के पास होंगे। शंकर मर चुका है। तो फिर टोनी के पास होंगे। मैं किसी चोरी होने को नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मुझे नेगेटिव नहीं मिले तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? माला सुनो, करने ही होंगे। मम्मी, हम आधा बुड्ढा हो गया, एक दिन हम पूरा बुड्ढा हो जाएगा।
तुम कितना एंगेजमेंट हमारा तोड़ेगा, कितना हस्बैंड बदलेगा? ओ पेड्रो, ओ चे पेड्रो, ये पता नहीं इधर कैसा आ गया। काय का बम मारता है, इधर कोई पेड्रो वेड्रो नहीं है। वो चे मेम साहब, हमको मालूम है उसने तुम लोग के वास्ते हमसे कर्जा लिया, अभी तुम उसको हमसे मत छुपाओ, उसको बोलो कि हमारे सामने आए। हम पठान का बच्चा है, आदमी को जमीन के नीचे से भी निकाल सकता है। अरे राजा क्या करना है, ये पेट्रोल नहीं है, हमारा छोकरी है। और क्या हम उल्लू का पटा नहीं, हम छोकरा और छोकरी को अच्छी तरह पहचानता है। पैसा लेते वक्त मर्द का बच्चा बनता था और देते वक्त छोकरी बनता है। खंजीर का बच्चा खुद, ये तो वाकई छोकरी है। पुलिस तुम्हारे छोकरी को हाथ लगाएगा, हम तुमको पुलिस में देगा, तुमको जेल में डालेगा। तुम्हारे तुम पठान को गर्मी देता है, हम सब समझता है। पठान का गुस्सा बहुत खराब है, सुन लो। हम जानती कि ये पेड्रो का होने वाला बीवी है और इसको हम लेके जाएगा, और जब तक हमारा पैसा वापस नहीं आएगा इसको नहीं छोड़ेगा। कौन है, क्या बात है, किसको उठा के ले जाएगा? अच्छा हो गया तुम आ गया विलियम, ये पठान का बच्चा हमको तंग करता है। विलियम, ये बोलता है पेड्रो का कर्ज हम तुमसे वसूल करेगा, तुमको उठा के ले जाएगा। क्या बाप का माल है, हमसे बात करो खान साहब। खोचे तुम कुछ गवर्नर है, हिटलर है या किंग कॉन्ग है, मच्छर मापे का आदमी है? पठान से बोलते हैं हमसे बात कर, खोचे एक मारेगा तुम उधर जाकर जमीन में। खान साहब अपना नाम कहानी है, दो मर्डर किया, प्लीज गेट आउट। और ये अंग्रेज का औलाद, तुमको मालूम है मर्डर किसको कहते हैं? हम बता रहे हैं पैसा, हमारा पैसा देगा कि नहीं? काय का पैसा? काय का पैसा? बजिया पानी पानी पानी। अलमारी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कमाल है हजूर, तोड़ने की क्या जरूरत थी, हमसे चाबियां मांगनी होती, आखिर आप हमारे पार्टनर रह चुके हैं। कल को भूल जाओ और आज की बात करो, मैं अपने ससुर और उस जालिम औरत के नेगेटिव लेने आया हूं। जाहिर है क्योंकि आपने उसकी बेटी से शादी की है। लेकिन रणधीर, अचानक इस बुड्ढे से इतनी हमदर्दी क्यों? ये तो आपकी आदत के खिलाफ है ना? तुम समझते क्यों नहीं, मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। और रणधीर, आदमी की किस्मत बदल सकती है लेकिन आदमी नहीं बदलता। तुम आज भी मक्कार हो, वरना शंकर की लाश के साथ मुझे पकड़वाने की कोशिश ना करते। कर छोड़ो, अगर तुम्हें नेगेटिव चाहिए तो 10 दिन के अंदर अंदर 2-3 लाख रुपए का बंदोबस्त करो, क्योंकि मैं जूली जूली से शादी कर रहा हूं। यह नामुमकिन है, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता। दे सकते हो और तुम दोगे। फिलहाल घर जाओ और मेरी बात पर गौर से सोचो, टोनी कभी किसी को गलत राय नहीं देता। गुड नाइट।
कहाँ की तैयारी हो रही है? जहाँ तुम ले चलो। मैं? अपनी दुल्हन को हनीमून पर तुम नहीं ले जाओगे तो और कौन ले जाएगा? माला, ओ माला, क्या तुम सचमुच मेरे साथ चलोगी? हाँ रणधीर, यहाँ पर तुम काफी परेशान रहते हो और तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा है कि जो कुछ भी तुमने कहा था वो सच है। सच? तो फिर आज किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, वहीं जाके फैसला करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं, प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं। फिर तो बुलबुल से मिलो आज बहारों से नहीं। ये नजर तुम से है आबाद नजारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं। बदला लेते हैं मगर अपने ही प्यारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं। पास भी तुम हो और आंखों में नशा चमके भी, पास भी तुम हो और आंखों में नशा चमके भी। हो तो सकती है गलत बात कोई हमसे भी, शोखियां कीजे मगर प्यार के मारों से नहीं। लब न खुल पाए तो कह दूंगी इशारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं। इन्हीं लहरों में बह जाने दो, आज बाहों
अपना तूफान से रिश्ता है किनारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। प्यार भी एक से होता है हजारों से नहीं। फिर तो बुलबुल से मिलो आज बहारों से नहीं। ये नजर तुमसे है आबाद नजारों से नहीं। लगता है कोई पागल है। ए, कौन है आप? आप क्यों पहचानोगे बाबू? पागल ही तो हूँ जो मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। पुलिस के लाख पूछने पर भी मैं चुप रही। तुम कहना क्या चाहते हो? इन्हीं से पूछ लो जिनके बहकावे में आकर मैंने इनसे शादी की थी। ये झूठ है माला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शादी के पवित्र बंधन को इस तरह बदनाम न करो बाबू। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब भी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। भगवान के लिए मुझे अपने साथ लिए चलो। मैं तुमसे सच कहती हूँ बहन, इन्होंने मुझसे शादी की है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन्होंने तो मुझसे शादी की है। तुम्हें जरूर कोई धोखा हुआ है। चलो रणधीर। नहीं बाबू नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। भगवान के लिए मुझे थोड़ी सी जगह इन जानों में दे दो। मैं जिंदगी भर तुम दोनों की सेवा करूंगी। जरूर कोई पागल है बेचारे। मैं आपसे फिर कहता हूँ आपको कोई धोखा हुआ है। नहीं रुक जाओ बाबू। ठीक कहते हो, बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। लेकिन अब मैं और धोखा नहीं खाऊंगी। बहुत दुख उठाए मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बाबू। देख लेना, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। अरे बेबी, तुम अब तक तैयार नहीं हुआ? उधर तुम्हारे एंगेजमेंट का सब तैयारी हुई है। मम्मी, हम पेड्रो को लव करता है। क्या बोला? हाँ, आई डोंट लाइक कानिया। I don't like कानिया। अरे बेबी देखो, तुम्हारा बाद में तो लग रहा था, हम गाइड को उसके साथ शादी बनाया। मम्मी, मम्मी, विलियम मैन, हम अपना वाला वाइफ को एंगेजमेंट देंगे। यस मम्मी, यस मम्मी। ए, 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 यू गरीब वाला। I'm sorry मम्मी, I'm sorry। दैट दैट इसको इसको। हाँ मम्मी, यस मम्मी। रिवी डार्लिंग। वेल्डन, वेल्डन, वेल्डन। यू इडियट, इधर काई क्वाया। मम्मी, हमको एक चांस और दे दो। नो चांस, एंगेजमेंट हो चुका। क्या बोला? अरे वेरी गुड, तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया। इस उम्र में भी तुम एंगेज हो गए। बेस्ट ऑफ लक मम्मी, बेस्ट ऑफ लक। क्या बकता है ब्योरा? हमारा एंगेजमेंट नहीं, रूबी का एंगेजमेंट, तुम्हारा दोस्त का साथ। मम्मी कहानिया देख लो। अरे तू जानता मैं किसका ड्राइवर हूँ? कमल सागर, तेरा घेरा बजा लूंगा, घेरा बजा लूंगा। हेलो कानिया, तू आंख का नहीं दिल का भी कानिया है। कानिया क्या बोली? आगे नहीं तो तोड़ दूँगा। क्या करता है यू ब्योरा? हमारा दिमाग का इंसल्ट करता है। मम्मी, जब तक मेरे पास पैसा था हम तुम्हारा दामाद था। आज इस कानिए का पास हेरा फेरी का पैसा बहुत है, इसको दामाद बनाया। ओ हाँ बोलता है, गेट आउट। शोर, अब तुम्हारा बाबी मुझे गेट आउट नहीं कर सकता। अब तो मुझे पुलिस से गेट आउट करेगा। मार डालूंगा, मार डालूंगा। तुम सबको फंसाऊंगा, सबको फंसाऊंगा। मैं सुसाइड करूंगा, खुदकुशी करूंगा, खुदकुशी करूंगा। मार दे। बहुत छोटा है मरने के लिए ये। ठीक है, नहीं मरूंगा, नहीं मरेगा। हम तुम सबको देखेंगे, तुम सबको देखेंगे। हम किसको नहीं छोड़ेगा, किसको नहीं छोड़ेगा। मम्मी, गीदड़ धमकी देता है। हमको डराता ना। मम्मी, मम्मी रूबी किधर है? रूबी आता है। रूबी, रूबी। रो मत बेटी, ये तो बता कि तू इतने दिन थी कहाँ? तूने तो एक भी चिट्ठी नहीं लिखी। कैसे लिखती बाप? शिमले में नौकरी छोड़कर एक बहुत बड़े आदमी से शादी कर ली थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की और पहाड़ की चोटी पर से मुझे खड्डे में फेंक दिया। मुझे बहुत चोट आई माँ, और बेहोशी में न जाने किसने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। महीनों में बेहोश रही, और जब होश आया तो तुम्हें मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये तो बता बेटी,
उस हत्यारे का क्या हुआ? किससे तुमने शादी की थी? ये तो मैं भी नहीं जानती माँ, लेकिन पिछले दिनों वो मुझे फिर मिला था किसी दूसरी औरत के साथ, लेकिन उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। चिंता मत कर बेटी, मेरे मालिक बहुत बड़े आदमी हैं, वो हमसे अन्याय नहीं होने देंगे। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। कोई कब तक भगवान पे भरोसा रखे माँ? मुझे तो ऐसा लगता है गरीबों से भगवान भी दूर भागते हैं। माँ, यही है वो बदमाश जिसने मुझसे शादी की थी। क्या बक रही है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तो वही पगली है जो हमें शिमला में मिली थी। वहाँ भी इसने यही कहा था कि तुम इसके पति हो। बहन, क्या तुम साबित कर सकते हो कि ये तुम्हारे पति हैं? कर सकती हूँ, आओ मेरे साथ। अपनी कमीज उतारो, तुम्हारी पीठ पर दाई तरफ दो काले तिल हैं। नहीं, 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 ये मेरे पति नहीं है। माँ, ये सब क्या है? मेरी खुद समझ में नहीं है। मैं समझाता हूँ, आपके पति मेरे जुड़वा भाई थे, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन मेरी भाभी होने के नाते आपका इस घर पर पूरा अधिकार है। आज से आप यहीं रहें। हाँ भाभी, आइए मेरे साथ। हेलो, हेलो कौंसल साहब, तुम यहाँ भी आ गए? मैं तो मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा शादी भी हो गई, हनीमून भी हो गया, अब कुछ धंधे वंदे की बात कर लें। कौंसल साहब, मैं सौदा 3 लाख में करने को तैयार हूँ। 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती टोनी। ठीक है, आप ना कर दीजिए, क्योंकि मैं पैसे के लिए चक्कर लगाने को तैयार नहीं हूँ, चाहे वो 3000 हो या 3 लाख। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पैसे देने को तैयार नहीं। तो आप ये भी कह के देख लीजिए। लेकिन कौंसल साहब, एक चीज याद रखिए, दुनिया में दो ही चीजें वापस नहीं आती, एक जिंदगी और दूसरी इज्जत। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे ससुर इस राज के खुल जाने के बाद कितने दिन जिंदा रह सकते हैं, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। That's like a man. लेकिन इतनी बड़ी रकम हासिल करने के लिए मुझे 10 दिन का वक्त चाहिए। 10 days. Okay. पुरानी दोस्ती के लिए हमें यह भी मंजूर है, लेकिन अगर माल 10 दिन के अंदर अंदर नहीं पहुंचा तो? तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और हाँ, माल मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। माल तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। okay. 10 दिन के अंदर अंदर मुझे नेगेटिव हासिल करने ही होंगे। क्या सोच रही हो? सोचती हूँ इन बदमाशों से कब तक बचते रहेंगे। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी ही इनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। मेरे ख्याल से अगर टोनी और जूली को अलग कर दिया जाए तो कुछ काम बन सकता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे अरे, घर में इतने सारे नौकर हैं और आपको दूध यहाँ लाने की क्या जरूरत है? अपनों की सेवा में जो सुख है। बस 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 बस, सब अगर आपकी बात मान ले तो दुनिया के आधे लोग भूखे मर जाएंगे। वो कैसे? बात सीधी है, कोई नौकरी नहीं रखेगा, बेकारी की वजह से लोग भूखे मर जाएंगे। माला बेटी। डैडी। बेटी। डैडी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ चुका था जो मैं खरे खोटे को पहचान ना सका, मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी दूसरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया। दूसरी बेटी? हाँ बेटी, कल तुम्हारी भाभी अपनी माताजी के साथ मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए डैडी, क्या आपने मेरे भाई की वजह से बहुत सारी तकलीफें उठाई, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं उन गुंडों को आपकी इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगा। बहुत जल्द वो नंगी तस्वीरें हमारे कब्जे में होंगी। तुम इस चक्कर में मत पड़ना बेटे, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। मेरे बच्चों के दिलों में मेरी इज्जत रहे, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं? आप जिस इज्जत के साथ आज तक रहे हैं, हमेशा वैसे रहेंगे। माला, मैंने झूठी इज्जत के चक्कर में बेटी को खो दिया था, अब बेटे को खोने की मुझ में ताकत नहीं। नहीं डैडी, आपने कुछ नहीं खोया, हम सब आपके साथ हैं और आपके आशीर्वाद के साथ अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अब भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारे संकट दूर हो जाएंगे। सुखी रहो बेटे, सुखी रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। रूबी, रूबी, देखो विलियम तुम्हारे लिए क्या लाया है। मम्मी सब इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड? तुम स्मगलिंग करते हो? कैसा बात करता है मम्मी, हमारा बिजनेस है इम्पोर्ट इम्पोर्ट। ओ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। आओ 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 रूबी, बैठो बैठो। अभी से नहीं मिक्स होएगा तो कभी होएगा। करेक्ट मम्मी, करेक्ट। देखो ना, ये हमारा छोकरी है ना जो, ये बहुत शर्मीला है। थोड़ा ड्रिंक लाता तुम्हारे लिए। मम्मी लाल जो ना। ओ मैन, बॉटल लाता है, बॉटल। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, हमारे तरफ देखो, हम तुमको कितना लव करता है। हम तुमको कितना हेट करता है। ऐसा क्या बात करता है डार्लिंग, हमारा वेडिंग डेट फिक्स हो गया है। व्हाट? हाँ नेक्स्ट संडे, और उसके लिए तुम्हारी माँ ने 5,000 रुपया मंगाया, हम वो भी लेके आए डार्लिंग, प्लीज टेक इट। लो ना डार्लिंग, प्लीज। माय फ्यूचर, ऐसा क्या को करता है, हम तुम्हारे वास्ते अपने माँ का जेवर बेचा, झोपड़ा बेचा, ये थोड़ा लेके आया। रूबी डार्लिंग, एक बार कह दो कान्या आई लव यू, आई मीन विलियम आई लव यू। तुम्हारा बाप जोरो, 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 तुम इधर कैसे आया? मैं किसी बात लैंड में जाओ, किसी बड़े शेर का तिजोरी तोड़ो, किसी बैंक का दरवाजा तोड़ो, हम गरीब लोग के पास कहीं को आ रहे हैं? तुम डाकू का बाप है बेटे, तुम हमारा दोस्त पेड्रो को नहीं लूटा? नहीं। अभी तुम्हारा ऊपर जाने का टाइम है, मरने से पहले सब सब बताओ, क्या तुम उसका सिगार यूज नहीं किया? नहीं किया। तुम उसे मैरिज के लालच दिखाकर उसे नहीं लूटा? नहीं लूटा, लूटा, लूटा बाबा। बंडल, उन नोटों को बंडल देखता है? किधर है? ये भीतर है। बंडल उठाओ, मेरे जेब में डाल दो। तुम्हारा पॉकेट किधर है गुरु जी? ये भाई नहीं, हाथ में दो। क्यों बे कानिया, मुझे माफ कर दो जोरो। तो जोरो, तेरा एक दुकान तो बंद है, हम दूसरे भी बंद कर देंगे। ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। पाँव पड़ता हूँ? बोल, तू पेटो के साथ धोखा नहीं किया? नहीं नहीं किया, किया किया। गर्लफ्रेंड से शादी करेगा? हाँ करेगा ना, करेगा बाबा, ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देता बाबा। अरे लिखा पढ़ा तो बढ़िया और पठन करता है। चल जरा, चल लड़की, तुम पेटों से लाभ करता है ना? हाँ करता है। तो फिर कौन ये कटा खाती करके तुम्हें तैयार हुआ? हम नहीं करता है, वो हमारा मम्मी है ना, वो हमारे से शादी करता है। मम्मी चल दादू है बुढ़ी, काम चल रखा। सोरो जी, हम आपको बोला ना, आपसे गलती हो गया, हम उसके शादी पेड्रो से ही बनाएगा। हम कसम खाता है, आपका कसम खाता है सोरो जी, हम उसके शादी पेड्रो से ही बनाएगा। पेड्रो से बनाया ना? तो लो पेड्रो हाजिर है। मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, सच सच बताओ तुम उससे शादी करोगे या नहीं? इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरी उस दौलत से शादी करना चाहती है जो मुझे मिलने वाली है। What nonsense! मुझे ख्वाब देखने की आदत नहीं, तुम्हारा खर्च चलाने के लिए रातों मुझे जुए खाने में जख मारनी पड़ती, और तुम शक्करखोर को शक्कर और मूंछी को टक्कर। तुम्हारी किस्मत में चक मारना लिखा है, तुम झक मारती हो। जाओ अपना काम करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मैं पूछती हूँ कब तक यूं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? जब तक इन हाथों को किसी की गर्दन पर रखने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी हाथों के अलावा अकल से भी काम लेना चाहिए। किसकी? तुम्हारी अकल से या अपने? ये तुम कह रहे हो जिसके लिए मैं सब कुछ करती हूँ, अगर तुम्हें अपने बाजू पे इतना ही नाज है तो हाथ लगे हुए माल का सौदा क्यों नहीं कर लेते? वक्त आएगा तो सौदा भी हो जाएगा। मैं वक्त के गुलाम नहीं बनना चाहती, अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो चूड़ियां पहनकर घर पे बैठो, मुझे अपनी नेगेटिव वापस कर दो, मैं खुद उनका सौदा कर लूंगी। तुम्हें ये
तमाचा बहुत महंगा पड़ेगा, समझे? Get out. I said get out. सलाम साहब, हम आ गए. आ गए शराब पी के? नहीं नहीं, पिया नहीं, लेकिन दुनिया समझती है कि हम पी के आ गए. ओह शराब, माफ कर दीजिए, सॉरी, माफ कर दीजिए ना. जूली मैम साहब का आजकल क्या हाल है? पहले माफ कर दीजिए ना. मैंने कहा जूली मैम साहब का क्या हाल है? मैंने आप मुझे माफ कर दीजिए ना. क्या जूली मैम साहब क्या हाल है? वो बहुत बुरा हाल है साहब, रात भर जुए घरे की चक्कर लगाती रहती है. माफ कर दीजिए ना. तुम जाके मेरे सलाम देना. हाँ जरूर जरूर जरूर. लेकिन लेकिन साहब आप मुझे माफ कर दिया ना. हाँ हाँ माफ कर दिया. तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम अपना वक्त और दूसरों की जेब काट रहा हूँ, माफ करना. कल जूते पड़ रहे थे और आज ये पत्ते पड़ रहे हैं, ये लो. मैडम टाइम टाइम की बात है, टाइम टाइम की बात. लेकिन आज तुम अपनी काउंसिल की वर्दी में नहीं हो क्या? बताता हूँ. अरे उनकी वर्दी तो मैंने कब की उतार ली, आप तो जानती है, चलती के नाम गाड़ी. और आजकल उनकी गाड़ी नहीं चलती है, मेरी गाड़ी अभी तक चल रही है. मतलब यानी कि टाइम टाइम की बात है. वो तो ठीक है, लेकिन इस जुए पर कब तक गुजारा चलेगा? नहीं खेलेंगे, जा चलो, नहीं खेलेंगे. लाना थे जुए पर गुजारा करने वालों की. मैंने पहले ही कहा आजकल मेरी गाड़ी चलती है. मैडम कंजीरा जानती है ना? कंजीरा? हाँ, वो एक बहुत बड़ा जगह है. I see. आजकल वहाँ के छोटे सुल्तान की वर्दी में हूँ मैं. हाँ, जो रात को दारू पी के रंग रंगलिया मनाता है और दिन को चादर टान के सो जाता है. यानी टाइम टाइम की बात. करे, करे. आजकल उनका टाइम चल रहा है. क्या रुपया बना रहा है, जैसे खुद छापता है, खुद छापता है. तो फिर देर किस बात की? मेरा टाका उससे जुड़वा दो, जो भी कमाई होगी उसमें से 50-50 बांट लेंगे. मैं सब ठीक जा रही हूँ, ठीक जा रही हूँ. आज ही चलो. तो बताओ कब और कहाँ मिली? मैम साहब अब मुझसे तो मिल ही चुकी है और थोड़ी देर के बाद मैं उनसे भी मुलाकात करवा दूंगा. नहीं यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ जहाँ उनकी महफिल होने वाली है वहाँ. याद है दिन याद से मिलने की जब आती थी रात, अरे जागते रहते थे तो दिल और सो जाती थी रात. हिज्र के शिकवे करते रोते रोते हंस पड़ते, देर तक दीवानों की सी बातें करते रहते हम. आहे था वो भी क्या जमाना, खुदा की कसम. आहे था वो भी क्या जमाना, खुदा की कसम. सबसे तो उनकी थी पहचान दूर की, हमसे था दोस्ताना. खुदा की कसम और हमसे था दोस्ताना. खुदा की कसम.
कसम आहे था वो भी क्या जमाना खुदा की कसम। पूछो के आफत की थी एक निशानी हमारी नजर और किसी की जवानी हमारी नजर और किसी की जवानी। मुलाकात को हर जतन कर गुजरते मगर दिल धड़कते जमाने के डर से मगर दिल धड़कते जमाने के डर से। अंधेरी गली ऊंची नीची डगर हाय चुराए बदन और बचाए नजर। हर हर कदम ठोक रेखा के चलना हर लगता था क्या सुहाना खुदा की कसम। हर लगता था क्या सुहाना खुदा की कसम आहे था वो भी क्या जमाना खुदा की कसम। इधर आ हाय हाय इधर आ हसीना तुझे हम बताए यही हुस्न था और यही थी अदाए यही हुस्न था और यही थी अदाए। इसी जुल्फ की छाव में जी चुका हूँ हे ऐसे ही लब जिनका रस पी चुका हूँ हे ऐसे ही लब जिनका रस पी चुका हूँ। वो सूरत अभी तक याद है जिस पे मेरा इश्क बर्बाद है। कोई भुला दे मगर मेरे वास्ते हर मुश्किल है भूल जाना खुदा की कसम। हर मुश्किल है भूल जाना खुदा की कसम आहे था वो भी क्या जमाना खुदा की कसम आ खुदा की कसम आ खुदा की कसम। वाह 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 आज हम बहुत खुश हैं। काश आज हम कंजीरा में होते तो कसम उस परवरदिगार की तुम्हें सोने चांदी में तोल लेते। लेकिन जाने मन वो दिन भी दूर नहीं। फिलहाल ये छोटा सा तोहफा कबूल करो। हम तुम्हें अपने हरम की जीनत बनाना चाहते हैं। It's beautiful, beautiful. ठीक है, ठीक है। आज से तुम हमारे साथ रहोगी बेगम और जब हम कंदीरा जाएंगे तो तुम्हें सोने के जंजीर में जकड़ कर ले जाएंगे। थैंक यू योर हाइनेस। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि कंजीरा में आपकी और कितनी बेगमात हैं? ओहो, कंजीरा का सुल्तान अपनी दौलत और बेगमात का हिसाब नहीं रखते। खैर, हमारी नजर इनायत पर भरोसा रखो बेगम, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया योर हाइनेस। ठीक है, ठीक है। मुझे आपकी नजर इनायत पर पूरा भरोसा है। लेकिन कंजीरा जाने के लिए मुझे पासपोर्ट की जरूरत होगी। ओहो बेगम, हम तुम्हें ऐसे पोर्ट पे ले ही नहीं जा रहे जहाँ पासपोर्ट की जरूरत होगी। क्या मेरा मतलब शाही मौलवी आते ही हम तुम्हारे साथ निकाह कर लेंगे। निकाह? ओहो क्या कहते हैं तुम लोग, शादी यानी के मैरिज। योर हाइनेस, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर पे जाकर अपना सामान ले आऊं। बेगम ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जिस चीज की जरूरत है यहाँ मिलेगी, जूते मेरा मतलब जेवर कपड़े वगैरह वगैरह वगैरह, मांग के तो देखो जान हाजिर है। फिर भी मेरा एक बार घर पे जाना बहुत जरूरी है। जरूरी है तो जाओ, लेकिन फौरन लौट आना, तुम्हारे बिना हम उदास हो जाएंगे। बस ये समझिए यूं गई और यूं आई। बस यूं ही चले आओ। बाय बाय। शब्बा खैर। बाय। शब्बा खैर। शब्बा खैर बेगम। शब्बा खैर। साहब
साहब साहब साहब बालक है उधर है थे, 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 मैंने तो अपना काम कर दिया, लड़की भी पट गई। सब सुनिए सुनिए, आपने जो प्रॉमिस किया था वो क्या रिगल सिनेमा रिगल वो मेट्रो क्या शिवस रिगल रिगल शिवस इंग्लिश ब्योड़ा कंट्री चलेगा 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 इंग्लिश में कंट्री पीऊंगा बाला। कुछ काम बना? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा हर काम बनते ही जा रहा है। आज तीर फिर निशाने पर लगा है और मुझे यकीन है कि जूली पिताजी की तस्वीरों को नेगेटिव ही लाने गई है। देने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा जीत गई। शडे शडे को इसकी कवर तक पहुंचा दो और मैं नेगेटिव्स का सौदा करके आता हूं। ये दोनों काम आज ही हो जाने चाहिए क्योंकि कल हम ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अरे यही है ना वो नेगेटिव्स खाना साहब, जिन्हें हासिल करने के लिए आप लाखों रुपए खर्चा करते रहे और शायद जिंदगी भर करते भी रहते। मतलब की बात करो ना। किसके मतलब की? आपके मतलब की या अपने मतलब की? खैर जुमलेबाजी में वक्त जाया करना अपनी आदत नहीं। मैं इन्हें आपकी खिदमत में लाया हूं, कहिए क्या कीमत लगाते हैं? कीमत तो तुम ही लगाओगे, अपनी मान मर्यादा और मन की शांति की कीमत मैं कैसे लगा सकता हूँ? ठीक है, मैं ही आपकी मुश्किल आसान किए देता हूँ। Shall we say 3 lakhs? 3 lakh? Why not? ये तो सिर्फ आपके लिए है, वैसे आपकी मान मर्यादा के खरीदार और भी हैं। टोनी, क्या तुम भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ओ नो 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 खन्ना साहब, मैं तो आपको कुछ दे रहा हूँ, उसके बदले में उसकी कीमत मांगता हूँ। इसे सौदा कहते हैं, ब्लैकमेल नहीं। मैं तो 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। यानी कि आपको ये सौदा मंजूर है? मंजूर है, मंजूर। दैट्स इट, ये हुई ना कुछ बात। यस सर। मरीज के होश में आते ही मुझे खबर कर देना। ओके सर। मैं इनका फिर से मुआयना करना चाहूंगा। ओके सर।
डॉक्टर साहब, क्या मैं माला से मिल सकता हूँ? डॉक्टर, हमारा भी उनसे मिलना बहुत जरूरी है ताकि हम उनका बयान ले सके, वरना मुजरिम को फरार होने का मौका मिल सकता है। आई एम सॉरी जेंटलमैन, वो अभी होश में नहीं आई और होश में आने के बाद भी दो एक घंटे तक वो कोई बयान नहीं दे सकेगी, इसलिए उसके कमरे में जाने की मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता। शटे, खूनी अपनी बेवकूफी से पकड़ा जाता है और टोनी इतना बेवकूफ नहीं। माला को खत्म कर देने के बाद अब मेरे खिलाफ गवाही देने वाला कोई नहीं रहा। अगर माला बच गई तो? Dumb stupid! शेड़े, तुम जानते नहीं, टोनी की गाड़ी से टकराने के बाद तो भगवान भी नहीं बच सकता। इस वक्त माला भगवान के दरबार में अपना हिसाब किताब दे रही होगी। बॉस, माला अभी तक जिंदा है, पुलिस हॉस्पिटल में उसके बयान के लिए उसके कमरे के बाहर बैठी। What? Idiot! पुलिस को चकमा देकर ही तो टोनी आज तक जिंदा रहा है। अभी फोन आया है कि माला अचानक वहां से गायब हो गई। क्या? अभी अभी तो मैं अस्पताल से आ रहा हूं। ठीक है, मैं अभी पुलिस स्टेशन। शेटे, माला के जिंदा होने की न्यूज बिल्कुल गलत थी। माला सिटी हॉस्पिटल में नहीं है। मुझे यकीन है कि रणधीर उसकी लाश को जलाने के लिए ले गया होगा। मैं तो उल्लू की तरह खाली बिस्तर पर वार करता रहा। टोनी, तू कभी कभी उल्लू बन जाता। यू आर राइट शेटे। टोनी का वार खाली जा सकता, सिटी का वार जिंदगी में कभी खाली नहीं गया। क्या? रणधीर की बीवी को उठाकर मैं लाया हूं। व्हाट? कहां हो? आओ मेरे साथ। ये फैंटास्टिक शेटी, ये कुछ बात हुई ना? अब मैं काउंसिल के बच्चे से उसकी बीवी की जिंदगी का सौदा करूंगा। पूरे 20 लाख रुपए वसूल करूंगा शेटे। क्या? लेकिन एक शर्त पर टोनी। बला। 50-50। 50-50? शेटे, तुम 50-50 की बात करता है? मैंने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रखा है शेटे, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हारा ऊपर का फ्लोर बिल्कुल खाली है। स्माइल। सर, आप इंस्पेक्टर अस्पताल से दिन दहाड़े एक बेहोश लड़की गायब हो गई और आप लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे आदमी मुजरिम को चारों तरफ तलाश कर रहे हैं। जैसे ही यस सिटी पुलिस स्टेशन। सर, आपका फोन। हेलो काउंसलर रणधीर है। और मैं टोनी। काउंसलर साहब, आप भी मेरे कब्जे में है। एक घंटे के अंदर अंदर 20 लाख रुपए लेकर लाल किले की चले आइए, वरना आपकी बीवी की लाश की खबर भी नहीं मिलेगी। सुनिए, ये बिजनेस मैं आपके साथ कर रहा हूँ, बीच में पुलिस को लाने की कोशिश मत कीजिए वरना। हाँ तो मुझे आपके जेल से भागी हुई कैदी रणधीर वर्मा की नस्बत कुछ पूछना था। जी हाँ पूछिए, मैं उसी की फाइल देख रहा हूँ। क्या उसे यहाँ कभी दिल का दौरा पड़ा था? दिल का दौरा? जी हाँ। जी नहीं, उसे तो यहाँ कभी बुखार तक नहीं हुआ। ओ ऐसी। तो क्या आपके रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी पीठ पर दाई तरफ दो काले तिल के निशान थे? जी नहीं, उसके पेट पर कोई तिल का निशान नहीं था। और जिस लाश पर हमने कब्जा किया था उसकी पीठ पर दाईं तरफ दो काले तिल के निशान थे और उसकी मौत भी तिल के दौरे से हुई थी। लेकिन हमारे रिकॉर्ड में तो आपका रिकॉर्ड बिल्कुल सही है जेलर साहब। मरने वाला रणवीर वर्मा नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई रणधीर वर्मा था और शायद आपका कैदी इस वक्त खुद काउंसलर बना बैठा है। आए, बड़ी देर कर दी आते आते। माल लेकर आए हैं? वेरी गुड।
लेकिन कौंसल साहब, आजकल बैग में नोटों के बजाय बम लगा देना आम पैंतरा हो गया है। जरा अपने हाथों से ही खोल दीजिए प्लीज। को धोखा देना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, समझे? मौत दावत देने से नहीं आती टोनी, जब भी आती है बिन बला ही चले आती है। चल जब किसी गिदड़ की मौत आती है वो मेरी तरफ चला आता है। अब मरने के लिए तैयार हो जा रंधीर। ए टगलू, चाकू हटा ले वरना गोली मार दूंगा। बीस लाख रुपए, अगर हर एक केस में लाख लाख रुपए भी आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। किसी की बहन की शादी, किसी की बेटी का दहेज, जिंदगी की तमाम जरूरतें, ऐश और आराम, आराम ही आराम, क्या नहीं हो सकता। सोचिए, क्या नहीं हो सकता, सोचिए सोचिए। आप भी सोचिए गंजू, इस 20 लाख रुपए के साथ में आप क्या करने वाले? लो टोनी, तुम्हारे आदमी इतने बेवकूफ है कि नकली नोटों के लिए अपने मालिक को छोड़ गए। नकली नोट? बेचारों को असली और नकली की क्या फर्क? गरीबों की जिंदगी में बड़े नोट कम ही आते हैं। क्यों समझे शेट्टी? तुम नकली नोट लेकर अपनी बीवी की जिंदगी का सौदा करने आए थे हैं? असली भी लाए हो? वेरी गुड शेट्टी, जरा असली नोट वसूल करके आओ। जाओ ब्रदर। Very good. साले भागीदारी मांगता है, तू भी सुन ले। मुझे अपना जुड़वा भाई मत समझना, जिसे बैंक लूटने के चक्कर में तूने जेल भिजवा दिया। मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, समझे? खबरदार चौधरी, रुक जाओ इंस्पेक्टर वरना गोली मार दूंगा। तुम इस तरह नहीं भाग सकते हो, सीधी तरह अपने आप को कानून के हवाले कर दो। फेंक दो रिवॉल्वर। इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर, जीते जी टोनी किसी के हवाले नहीं होगा, समझे? अब आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब।
दरअसल मैं काउंसलर रणधीर नहीं बल्कि उनका जुड़वा भाई रणवीर हूं, जिसे अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए जेल से भागना पड़ा। दिल का दौरा पड़ने से अचानक अपने भाई की मौत का फायदा उठाकर मैंने उनकी जगह ले ली थी। मैंने सब कुछ सुन लिया है मिस्टर रणवीर, अब शायद मुझे आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रणवीर, रणवीर। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, प्यार भी एक से होता है हजारों।